क्वेश्चन 28 देखो। वाटर का एक सैंपल है जिसकी वैल्यू है 0.1 ग्राम्स, 100 डिग्री पर रखा हुआ है, प्रेशर की वैल्यू दे दी है और इसको इतनी हीट चाहिए होती है अपने आप को कन्वर्ट करने में स्टीम में। ठीक है, वाटर से स्टीम में जा रहा है, 100 डिग्री यहाँ भी है और 100 डिग्री यहाँ पर भी है, बस ये वाला टर्म बच्चों डेल्टा क्यू का आ गया। ठीक है, और स्टीम जब बन जाएगी तो वो इतने पे बन रही है, स्टीम प्रोड्यूस 167.1 क्यूबिक सेंटीमीटर। आपको बताना है कितना चेंज हुआ है इंटरनल एनर्जी में। ठीक, तो V2 आ रहा है बच्चों 167.1 क्यूबिक सेंटीमीटर और वॉल्यूम 1, देखो ये 0.1 ग्राम लिखा है ना, तो ये 0.1 क्यूबिक सेंटीमीटर ही हो जाएगा। ध्यान रखें इस बात का, वाटर के लिए ये अजम्पशन लिया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। फर्स्ट लॉ की वो होता है जितना भी हीट आया वो यूटिलाइज हो जाता है बच्चों चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में। तो यहाँ से डेल्टा यू कितना बन रहा है, ये हो जाएगा डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू। हम बात कर लेते हैं कि डेल्टा क्यू कितना आने वाला है। ठीक है, डेल्टा क्यू लिखा हुआ है यहाँ बच्चों 54 कैलोरीज, कन्वर्ट कर लो जूल्स में, तो 54 मल्टीप्लाई बाय अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ले रहा हूँ 4.2, आंसर आएगा इसका 226.8 जूल। मतलब यहाँ आना चाहिए 226.8 जूल माइनस। वर्क भी निकालते हैं अपन, वर्क होता है प्रेशर इनटू डेल्टा वी, यह हो जाएगा पी वी टू माइनस वी वन। सॉल्व करोगे तो प्रेशर की जगह पर ये टर्म यूज़ कर लेते हैं, 10^5 हो जाएगी, V2 की जगह पर ये आ जाएगा 167.1 क्यूबिक का मतलब होता है -6, ये हो जाएगा 0.1 10^-6 क्यूबिक सेंटीमीटर की वैल्यूज हो गई है। तो आंसर आ रहा है 10^5 मल्टीप्लाई बाय 10^-6 मल्टीप्लाई बाय 167, जो कि आ रहा है 16.7। ये भी वैल्यू बच्चों जूल्स में है, थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेट यूज़ कर लिया है मैंने। ठीक है, ये टर्म यहाँ लिख दो 16.7, आंसर आ जाएगा अपना 210.1 जूल्स, ये हो गया डेल्टा यू का टर्म। कुछ कुछ अपन ने अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किया है तो ऑप्शन मैच कर लेते हैं, हमें ऑप्शन नंबर थर्ड सही लग रहा है 208.7, क्योंकि यहाँ पे बच्चों 4.18 होता है टर्म और यहाँ मैंने प्रेशर का टर्म भी अप्रॉक्सीमेटली यूज़ किया। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आंसर मिल रहा है, एक अजम्पशन लेना है, जो 0.1 ग्राम वाटर होगा उसी को अपन ने क्यूबिक सेंटीमीटर यूज़ कर लिया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं।